प्रोग्राम के रीसेलर API जो SMS के थ्रू यूज़ करते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको अपना रीसेलर अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर मोबाइल API सेटिंग्स पे आप क्लिक करेंगे तब आपको एक मोबाइल पोर्ट रीसेलर के लिए जो होता है वो जनरेट होकर मिलेगा, जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है सर, इसको आप रीसेट भी कर सकते हैं। और उसके अलावा जो हमारे कुछ शॉर्ट कोड्स हैं जिनके थ्रू आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, इसलिए क्रिएट यूज़र के लिए CUR, एलोकेट DID के लिए DID, चेंज फॉरवर्डिंग के लिए CCF, ये सारे हमें दिए हुए हैं ऑप्शंस। रीसेलर API का कंप्लीट जो यूज़र गाइड है वो यहाँ पर virtualfrontline.com/web-service के ऊपर ये रीसेलर एक्टिविटीज़ वाया SMS दिया हुआ है विथ इमेजेस, जो आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ये आपको SMS सेंड करने हैं। SMS सेंड करने के लिए हमारे पास एक नंबर है जो ये लिखा हुआ है, और आपको जैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ये नंबर लिखा है, उसके बाद यहाँ पर मैं अपनी रीसेलर ID दूंगा। कर रखने के इससे पहले कोई स्पेस वगैरह ना हो तो बेहतर है, लेकिन हमारे सिस्टम पर भी उसको डिटेक्ट करता है। ये मेरी रीसेलर ID थी जो SMS के थ्रू मैं यूज़ करूँगा। अब मैं एक यूज़र अकाउंट क्रिएट करूँगा, उसके लिए CUR मेरी कमांड है। ये इस पर देखे, इसके बाद ये मैं लिख के और मैं इसको सेंड करूँगा। कोड सेंड करने के बाद मेरे पास एक SMS आया रिप्लाई के अंदर, अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, अकाउंट नंबर 402696 एंड पासवर्ड इज। वो जैसे मेरा अकाउंट क्रिएट होगा तो वो मुझे मेरी यूज़र ID और पासवर्ड SMS के थ्रू सेंड करेगा। अब मैं इस ऑर्डर ID को पर लॉगिन करके देख लेता हूँ। ये उस यूज़र का अकाउंट आ गया जिसके पास जो अभी हमने रीसेलर API के थ्रू क्रिएट किया है, इसके ऑर्डर ID अकाउंट स्टेटस देखते हुए इसके पास कोई बैलेंस नहीं है। जो SMS रीसेलर को वर्चुअल फोन लाइन से सेंड हुआ उसके अकाउंट में से वो अमाउंट डिडक्ट कर लिया गया है। ये उसकी इनवाइस बनी हुई है, PURC SMS चार्जेस फॉर न्यू साइन अप ऑन VPN। ये उस रिसेलर की ID है रिसेलर की, और ये इसके जो है डिस्क्रिप्शन है, ये डेट है, ये अमाउंट है जो उसके अकाउंट में से डिडक्ट कर लिया गया। तब हमें एड फंड्स के लिए सबसे पहले तो एड फंड करेंगे, क्योंकि DID परचेस करने के लिए हमारे पास फंड्स होना ज़रूरी है, और इस अकाउंट में इस वक्त कोई फंड्स नहीं है, कोई DID नहीं है। ये रिसेलर की ID हमने लिखी, ये फंड ऐड करने के लिए जो हमारा कोड था IDF एड फंड्स, उसके बाद हमने अमाउंट लिखा, हमने ऑर्डर ID और देन अमाउंट लिख के हम जब इस SMS को सेंड करेंगे तो रिटर्न में हमें SMS आएगा कि एड फंड्स एडेड इन दिस यूजर ID। तरह DID परचेस करने के लिए हमें यहाँ पे रिसेलर ID देन DID परचेस करने का हमारा 3-digit कोड जो DID है, उसके बाद उस ऑर्डर ID जिसके लिए हमें DID परचेस करनी है, देन कंट्री कोड। इस वक्त कंट्री कोड मैंने 1 दिया है, 1 जो होता है अमेरिका का हमने रखा हुआ है। US की DID आपको मिलेगी 1567, और अगर आपको UK DID लेनी है तो 444 आप कोड भेजेंगे, लेकिन हमने वहाँ पर डिफाइन किया है कि 444 आया तो 4420 की ही DID जो ये सिर्फ इस वक्त 2 DIDs ही हमारे पास अवेलेबल हैं जो हम लोग SMS API के लिए हम सिर्फ 2 ही DIDs देते हैं, 1567 और दूसरी 4420। और एड फंड कर एड टॉक टाइम के लिए हमारा वही प्रोसीजर है, ATT लिखेंगे, ऑर्डर ID देन अमाउंट। उसके बाद आखिरी फंक्शन जो है चेंज कॉल फॉरवर्डिंग का, उसके लिए ये रिसेलर ID देन कोड CFF फॉर चेंज कॉल फॉरवर्डिंग जो है, और उसके बाद DID जिसकी फॉरवर्डिंग चेंज करनी, और देन फॉरवर्डिंग। बहुत बहुत शुक्रिया।